घड्याळात वेळ झाली तुतारी फुंकण्याची. तुतारी, तुतारी स्वाभिमानाची, शेतकऱ्यांच्या आवाजाची, युवकांच्या ऊर्जेची, महिलांच्या भरारीची तुतारी, तुतारी राष्ट्रवादीची. नमस्कार. बीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं. हमको पता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की जो है रणनीतियां बनना शुरू हो चुका है, हर पार्टी जो है अपने प्रचार में लग चुकी है, बस तारीख जो है आनी बाकी है. और आज हम उसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे शरद चंद्र पवार गुट के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठेन से. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में. बहुत बहुत नमस्कार. जिस तरह से हम सर देख रहे हैं कि समीकरण हर दिन भी बोल सकते हैं हम महाराष्ट्र की राजनीति में बदलता नजर आ रहा है. हम देख रहे हैं कि कई गुट जो है अलग हुए हैं, एक गुट से दो गुट हुए हैं और सत्ता का समीकरण बदला है महाराष्ट्र का. और उसी के मद्देनजर आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं उस पर कितना असर इसका होने वाला है हम सभी जानते हैं, क्योंकि दिग्गज नेता बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं. आपकी भी पार्टी उससे अछूत नहीं है, आपकी भी पार्टी के दिग्गज नेता जो है बीजेपी में जा चुके हैं और अब जो है नए चिन्ह के साथ आपको लोकसभा चुनाव में उतरना है. क्या बताओगे पूरी ये रणनीति जिस तरह से बनाई जा रही है, शहर के चुनाव हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, किस तरह से आगे की रणनीति आपके पार्टी द्वारा बनाई जाने वाली है? सबसे पहले तो बीसीएन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बीसीएन के टीम को भी कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया. आपने कठिन सवाल किया लेकिन जो सवाल किया वो सवाल में ही जवाब है. अब 2014 से आप देख रहे हैं कि गट बने नहीं, एक अपने ही मत से अगर एक नेता अगर अपना गट बना लेता था वो बात अलग आती, अलग समझ में आती थी. लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2014 में भाजपा सरकार देश में आने के बाद में सारे प्रांतों में, सारे देश के स्टेट में ये स्थिति बनाई गई. जैसे अभी आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए कि एक शिवसेना को तोड़, शिवसेना का तोड़ के एक फिर गढ़ बनाया, फिर गढ़ बनाने के बाद में उसी को पार्टी सौंप दिया. बिल्कुल वैसा ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने, संस्थापक पार्टी के अध्यक्ष है ये सारी दुनिया जानती है. उधर शिवसेना में संस्थापक वो बाला साहब ठाकरे थे ये आप सब जानते हैं. फिर भी जिस प्रकार से भी ये पार्टियाँ का पार्टियों को तोड़ के अलग अलग करने का काम जो किया है ये भलीभांति जानते हैं. लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है. जिन लोगों की कुछ मजबूरियाँ होगी या प्रेशर में गए होंगे तो वो प्रेशर में उन लोगों ने जरूर पार्टी अलग बनाई या अलग मिली उनको. लेकिन आने वाले समय में जैसे लोकसभा भी 2024 में है, इस लोकसभा का चित्र अलग ही रहेगा. अपन बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी सारे देश में है, राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, उद्घाटन हो गया है. तो अगर ये सारी चीजें भाजपा के फेवरेबल होती तो शायद ये देश में इस प्रकार से तोड़ना, महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी, बिहार में आरजेडी, आरएलडी, यानी ऐसे सारे पक्षों का गठबंधन होने के बावजूद भी वहाँ पे तोड़ मरोड़ के अलग करना, ये कहीं अच्छा देश के जनता को लगा नहीं और लगेगा भी नहीं. आने वाले समय में जनता बोलती नहीं, जनता आखिर में उनका जब उनको त्रुप का कार्ड्स जब दिखाना है, जो मतदान के जरिए उनको दिखाना है, तो वो जरूर दिखाएगी. और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जिस प्रकार से हुकुमशाही का जो की ओर जो राज्य चल रहा है वो राज्य की जनता उनको ही सबक सिखाने का काम आने वाले समय में करेगी. बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया अभी कि पार्टियां तोड़ी गई है, उस तरह का माहौल बनाया गया है, खुद होकर कोई पार्टी से बाहर नहीं गया है,
क्या ऐसा लगता नहीं आपको कि पार्टी में कुछ कलह था, इसलिए जाना इतना आसान था जो लोग गए हैं? देश की जनता भली बात ही जानती है कि कलह तो हर घर में, अगर चार एक कुटुंब में चार लोग रहते हैं तो वहाँ पे कम ज़्यादा रहता ही है, लेकिन इस स्टेज पे जाना यानी सारा घर का घर तोड़ के अलग दूसरा घर बना लेना या उस घर के रहने वाले सदस्यों को बाहर कर देना, ये ऐसी स्थिति क्यों आई है ये सभी लोग जानते, और ये स्थिति लाने के लिए ये कहीं ना कहीं ये कलह नहीं है, ये मजबूरी। जैसे बड़े बड़े देश के नेता कह रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार बोल रहे हैं, यूट्यूब में अपन सुनते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ये CBI, ED, इनकम टैक्स, ये ऐसे संस्थानों का कहीं ना कहीं प्रेशर बना के जो कि एक फेवर में उनके राजकारण बने, या लोकसभा में जो अभी सत्ताधारी है उनके साथ में उनकी सीटें बढ़ाने का काम में मदद होगी, कि इसलिए सारी चीज़ें की जा रही है, ना कि किसी भी प्रकार से सेना या राष्ट्रवादी या कोई और भी जो पार्टियां यहाँ पे टूटी है या जैसे आपके साथ में घटना घट रही है, तो ये कहीं ना कहीं मन से नहीं हो रहा, किसी के मर्जी से जबरदस्ती से किया जा रहा है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी जो है शहर शहर गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली जाकर जो है अभियान चला रहे हैं या सम्मेलन जो है किया जा रहा है, तो शरद चंद्र पवार गुट द्वारा क्या ऐसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है, या क्या अभियान चलाया जाएगा, या किस तरह से जनता तक आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपको अभी नया चिन्ह मिल चुका है, उसे भी जनता तक पहुंचाना है? पिछले कुछ दिनों के पहले, महीनों के पहले ये घटना घटी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के हमारे ही कुछ नेता दूसरी पार्टी बना के चले गए। वो जाने के बाद में पवार साहब लेकिन एक दिन भी रुके नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता हो या देश में जहाँ जहाँ काम करने का हो देश में काम किया ही है, महाविकास आघाड़ी हो के साथ में हो या देश भर में इंडिया गठबंधन के साथ में हो, ये साथ में इन्होंने काम चालू ही रखा। अभी 3 तारीख को पिछले इसी महीने में हमारा चुनाव चिन्ह चले गया था, नाम चले गया था, फिर 2-4 दिन के बाद में हमें नाम मिल गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार मिल गया, फिर उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट्स ने ये आदेश दिया कि भाई ये पार्टी यानी ऑब्जर्वेशंस है वहाँ पे CGI का, कि उन्होंने ये कहा कि जो संस्थापक पार्टी का है उनको आप चिन्ह नहीं दे रहे तो ये गलत बात है और सब दुनिया देख रही है, यानी ऐसा ऑब्जर्वेशंस अगर CGI कर रहा है, और फिर उसके बाद में इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव चिन्ह देना पड़ रहा है, तो वो भी योगायोग बहुत अच्छा कि हमने मांगे थे उससे कई पट अच्छा हमें चुनाव चिन्ह कल रात में ही मिला, परसों के रात में ही मिला, जो कि तुतारी बजाने वाला एक आदमी, आप जानते हैं कि तुतारी शहनाइयाँ कब बजती हैं, जो मंगल कलश या शुभ कोई भी काम हो उस काम में ये तुतारी का काम किया जाता है, वहाँ से वो तुतारी से ही सारे अच्छे काम किए जाते हैं, तो जो हमारे अभी नया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और अभी ये जो चुनाव चिन्ह मिला, इस चुनाव चिन्ह के साथ में पूरे महाराष्ट्र में अभी तक के तो सारे देश भरे में ये पहुंच गया हमारा चुनाव चिन्ह, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आपको इतना स्ट्रांग है कि देश भरे से जो कई नेता हैं उन लोगों नेताओं के अभिनंदन भी आए हमारे पवार साहब को, तो उसके वजह से हमारे पहुंचाने की हम तो पूरा प्रयास तो कर ही रहे, लेकिन वो जितना यानी एक ही दिन में वो ये सारी आम जनता तक के हमारा चुनाव चिन्ह पहुंच गया है, उसके वजह से आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है तो मैं हमारे को हमारा चुनाव चिन्ह नया है ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं, और पवार साहब ही चिन्ह भी है, हमारे पवार साहब का नाम ही है, तो उसके वजह से आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी में या इंडिया गठबंधन में जो भी सीटें हमें मिलेगी तो निश्चित रूप से ही हम
ज्यादा से ज्यादा जीतने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जनता तक पहुंचना है उसी तरह से कार्यकर्ताओं में भी एक नई उम्मीद भी लाना है, तो कार्यकर्ताओं के लिए आप किस तरह से अभियान या सम्मेलन लेने वाले हो, या किस तरह से चुनाव को जीतने के लिए क्या योजनाएं आपकी ओर से बनाई जाएगी? हमारे नागपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओर से कल ही, जैसे परसों रात में हमारा कुछ चुनाव चिन्ह डिक्लेयर हुआ, तो हमारे नागपुर शहर के सारे पदाधिकारियों का फोन आना चालू हुए कि अपने को जश्न मनाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप लोगों तक के वो न्यूज आई नहीं आई, लेकिन कल बहुत ज़्यादा संख्या में पदाधिकारी, जो कभी नहीं आने वाले पदाधिकारी थे वो भी पदाधिकारी आए, और अच्छा जश्न के माहौल से, और बहुत सारे वो सभा हुई, उस सभा में उन्होंने कहा कि हम लोग पवार साहब के विचार और पवार साहब का घड़ी ये चुनाव चिन्ह हमारा जो तुतारी है ये लोगों तक के पहुंचाने का काम, और उसके माध्यम से नागरिकों का काम करने में हम समर्थ तरीके से पूरे प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है हर डर लगा है पार्टियों को, कि हर मतलब पार्टी से है कि कोई एक नेता दूसरे पार्टी में जा सकता है, इसके लिए भी किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले फिर एक बार कोई दिग्गज नेता अपने पार्टी से दूसरे पार्टी में ना जाए, इसके लिए? हमें कोई उसका डर नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, आने वाले का तो हम स्वागत कर ही रहे हैं, लेकिन जाने वाले को रोक भी नहीं रहे। उसका कारण है वो जो जा रहा है वो इसी डर से, कहीं ना कहीं उसको ये डर है कि हम जीत नहीं पाएंगे, और जिसके पीछे जनता नहीं है वही लोग गए। अभी आप महाराष्ट्र में या नागपुर शहर में देखिए कि वो अजीत दादा गढ़ में जाने वाले लोग कौन है, जिसका कोई भी किसी भी प्रकार से जन समर्थन नहीं है, ऐसे ही लोग गए हैं, और वैसे लोगों का गुट वो बना हुआ है, तो उसके वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में हम लोकसभा हुए, विधानसभा हुए, आने वाली कॉर्पोरेशन हुए, अच्छे तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बिल्कुल, लोकसभा और विधानसभा के बाद जो है स्थानीय लेवल के भी चुनाव होने वाले हैं, आप शहर अध्यक्ष हो, तो अभी से रणनीति किस तरह से आपकी बनाई जा रही है, क्या योजनाएं हैं, कार्यकर्ताओं को क्या आप संदेश देना चाहोगे? हमारे नागपुर शहर के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, शहर के पदाधिकारी हैं, विभाग के पदाधिकारी हैं, वो सारे पदाधिकारी काम से लग गए हैं। नागपुर शहर में 2100 बूथ है लोकसभा के, वो लोकसभा के 2100 बूथ में से कम 1400-1500 बूथों तक बूथ के प्रमुख अभी तक के पूरे तय हो गए। 1 बूथ 10 यूथ का जो फार्मूला है पहले से, वो फार्मूला हमने तय किया। भले महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट रहेगा, हमारा राष्ट्रवादी पक्ष शरद चंद्र पवार साहब का कैंडिडेट भले नहीं रहेगा, लेकिन पूरी ताकत से हम लोग जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का रहेगा उस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम शरद चंद्र पवार गट का रहेगा, और उसके लिए हमने 1400-1500 बूथ बना भी लिए हैं, और आने वाले समय में लोकसभा जैसी भी डिक्लेयर हो जाएगी तो पूरी राष्ट्रवादी उनके पीछे लग के कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नागपुर जो है भाजपा का गढ़ रह चुका है, अब जिस तरह से गुट जो है अलग हो चुका है, अजीत पवार गुट, शरद चंद्र पवार गुट एक नया गुट है, फिर से आपको नए सिरे से आपको पूरी तैयारी करनी होगी चुनाव को लेकर, तो महानगर पालिका के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो स्थानीय लेवल के चुनाव के लिए आपके पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जिन्हें चुनाव में उतारा जाएगा? सबसे पहले तो ये आपके मन से ये निकाल दीजिए, और जनता को भ्रम से भी निकालना पड़ेगा कि ये भाजपा का गढ़ है। ये भाजपा का गढ़ कभी भी नहीं रहा। आप जामुनराव धोटे से लेके ए बी भाई बर्धन से लेके तो ये सारे, बनवारीलाल जी पुरोहित भी जो चुन के आए हैं तो यहीं से आए, मुत्तेमार जी चुन के आए हैं तो वो कांग्रेस से ही आए, ये कभी हुआ नहीं। लेकिन कुछ एक बड़े पार्टी में कुछ आपस में जो विवाद होने के वजह से, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं का सामंजस्य नहीं होने के कारण 2007 में उनकी सत्ता आई कॉरपोरेशन में, और वो सत्ता आने के बाद में वैसे भी बहुत, यानी ये 15 साल यहाँ पे लोग हम महाराष्ट्र में रहे, उसके पहले कांग्रेस पार्टी देश में भी रहती आई है, उसके वजह से एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी वो हो सकता है, लेकिन ये भाजपा का गढ़ बिल्कुल नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि 2014 में 3 लाख मतों से जीते गडकरी जी लोकसभा, उसके बाद में 2 लाख पे आए,
अगर गढ़ होता तो उसका और ज्यादा बढ़ता था, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं है। और आने वाले समय में हम कॉरपोरेशन हो या विधानसभा हो, यहाँ पे विधानसभा जो होगी, लोकसभा तो हम लड़ते नहीं है, लेकिन विधानसभा की सीटें हम जरूर यहाँ पे मांगेंगे। हमारे पक्ष श्रेष्ठी को हमने बता दिया कि हमें यहाँ पे जब तक ये पार्टी यहाँ पे बढ़ाना है आने वाले समय में, तो हमें यहाँ पे लड़ना ही पड़ेगा। तो वैसे हमारे वरिष्ठ नेता, उसके ऊपर अनिल बाबू देशमुख साहब हो, जयंत पाटिल साहब हो, ये सारी चर्चा कर रहे हैं और करके ही लड़ेंगे। और हमारे पास में अभी नागपुर शहर में एक अच्छे नेता है, जैसे अनिल बाबू देशमुख तो है, रमेश चंद्र बंग साहब हैं, तो नागपुर लोकल लेवल पे हमारे बहुत सारे पदाधिकारी, हम दूसरे पार्टी से भी आए, जैसे शेखर सावरबांदी जी हैं, जो एक अच्छा एक चेहरा तेली समाज का चेहरा है, कुछ ठौकर है, कुनबी समाज का, यानी सारे समाज को कास्मो पॉलिटिक्स करके, यानी सजातीय धर्म के सभी जाति पंथों के लोग लेके हम काम करें, भले संख्या में कम दिख रहे होंगे, लेकिन वो जो पदाधिकारी हमारे साथ में है वो एकदम ही, यानी समाज में उनका अच्छी एक प्रतिष्ठा है, ऐसे लोग हैं, तो उनके उन्हीं के साथ में मिलके, उनके कंधे से कंधा मिला के आने वाली लोकसभा भी और आने वाली विधानसभा भी, और फिर कार्यकर्ता का जो चुनाव है महानगर पालिका, वो भी 100% एक अच्छे नंबर से हम जीतेंगे। आपने जिस तरह से अभी बताया कि सामंजस्य जो है नेताओं में नहीं था, इसलिए चुनाव हारे थे, लेकिन अब भी वही परिस्थिति बन सकती है क्या? क्योंकि महाविकास आघाड़ी के तौर पर अगर लड़ते हैं तो सीटों का समीकरण किस तरह से बन सकता है, और उसमें आपको लगता है कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट को यहाँ से सीट मिल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस की सीटें अधिकतर रहती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का हम देख रहे हैं कि शहर में एक ही नगर सेवक था, तो कैसे देखते हो आप? नहीं, देखिए, वो जो घटनाएं घटी उससे सबक लेना जरूरी है। गलतियां तो होती है, लेकिन गलती सुधारने का भी काम किया जाता है। देश भरे में जिस प्रकार से भी वातावरण सभी समाज में सभी धर्मों में जो चल रहा है, आज आप विश्वास नहीं करोगे कि देश में, मैं देश की तो बात नहीं करूंगा, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र की 20% जनता, 20% यानी पूरे जवाबदारी से बोल रहा हूँ, 20% जनता ये रस्ते पे है किसी ना किसी कारण से। काश्तकार है, शेतकरी है, दूसरा नौकरदार है, कर्मचारी है, शिक्षक वर्ग है, आशा वर्कर है, मेडिकल पैरामेडिकल के लोग है, यानी ये 20%, अगर आप ये सुजलाम सुफलाम की बात अगर महाराष्ट्र में या देश में करते हैं, तो ये लोग धरने में क्यों है, आंदोलन क्यों हो रहे हैं? तो महाराष्ट्र में 20% जनता रास्ते पे जब उतरती है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का नेतृत्व बहुत अच्छा नहीं होने के वजह से ही वो है, और अच्छी तरीके से सरकार नहीं चलने के कारण ही लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए कलेक्टर ऑफिस हो, धरना हो, या रास्ता हो, ये इस रास्ते पे उतर आई है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो अभी सरकारें है वो सरकारें ज्यादा दिन टिकेगी। बिल्कुल, आने वाले चुनाव को लेकर जो है आपके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि नया गुट बन चुका है, नया चिन्ह भी मिला है? मैं कार्यकर्ताओं को या हमारे पदाधिकारियों को तो हमेशा चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन आज BCN के माध्यम से हमारे को, हमारे BCN के दर्शक और हमारे नागपुर शहर की जनता को के साथ में रूबरू होने का मौका मिला। मैं जनता के लिए ही मैं ये बोलूँगा कि महानगर पालिका किस प्रकार से चल रही है, अपन 15 साल हो गए, 15 साल में किसी भाजपा का प्रशासन अपन देख चुके हैं, आज 2 साल हो गए कि वहाँ पे प्रशासक बैठा है, वहाँ का कमिश्नर किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं करता, और यहाँ के महाराष्ट्र में जो सरकार है उनको किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ पे देश के सबसे बड़े, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता यहाँ पे नागपुर शहर में होने के बावजूद भी नागपुर की परिस्थिति क्या हो रही है, और जनता आज छोटे मोटे गडर के लिए, एक आधा पाइपलाइन के लिए त्रस्त हो रही है। रस्तों के क्या हाल है ये आप देख रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी हुई है, वो सारी चीजें हैं, और नागपुर में
बहुत अच्छा। यहाँ पे जिस प्रकार से मियान होना चाहिए था, मियान का जो गौ गवा किया या इन्होंने वाहवाही की है, उस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई इंडस्ट्रीज नहीं, जो इंडस्ट्रीज आने वाली थी वो इंडस्ट्रीज यहाँ से चली गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे। उसका कारण है कि यहाँ के टैक्सेशंस, यहाँ का MSEB का इलेक्ट्रिक बिल, तो यहाँ से पड़ोस में छत्तीसगढ़ हो, इधर MP हो, वहाँ पे 100 किलोमीटर जाके वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। अब इसके बारे में सोचेगा कौन? ये सोचना पड़ेगा आम जनता को, क्योंकि इन्होंने जो व्यवस्था जो आपने चुना के दिए वो सरकारें इस प्रकार से रह रही है। आपके बच्चों के लिए क्या हो रहा है? आज एक अच्छा एजुकेशन दिल्ली सरकार आप आदमी के वहाँ पे दे रही है थी, आम आदमी के मुख्यमंत्री। आज नागपुर शहर में कॉरपोरेशन की स्कूलें जो थी वो स्कूलें बंद कर दिए। आज गरीब तबके का वर्ग नागपुर में कामगार वर्ग है, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको उसका बच्चा आज भी चाहता है कि वो CBSE पैटर्न के स्कूल में पढ़ना चाहे। आज ऐसी व्यवस्था महानगर पालिका ने नहीं बनाई, ऐसे नेताओं ने नहीं बना पाए। बड़े बड़े ब्रिजेस बिल्कुल जरूरी, 100% अच्छे सीमेंट्स के रोड चाहिए, लेकिन उसके पहले भी मेडिकल की क्या व्यवस्था है, मेयो की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ का नागपुर रुग्णालय अभी तक के चालू हुआ नहीं है। इसका दोष कौन, इसके लिए जवाबदार कौन? आज इतने दिनों से वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, नागपुर के जनता के साथ में, सेहत के साथ में खेल रहे हैं आप। बेरोजगार जो लिखे पढ़े बच्चे हैं उनके उम्र के साथ में खेल के उनकी उम्र चली गई, तो उसको नौकरी के लिए नहीं, कहीं यहाँ पे मियान हो या बुट्टीपुरी हो इंडस्ट्रीज एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिल रहा। यहाँ से जब जाते हैं तो सब वो पूना जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, अलग जगह जाते हैं। और जब आप देखना कि दिवाली में और होली में जैसे वो लेबर लोग आते हैं, उस प्रकार से बच्चे हम थैलियाँ लटका लटका के अपने घर में आते हैं। यानी ये स्थिति पैदा किसने किया, ये इसका जवाबदार कौन? मैं आम जनताओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये सारी घटनाएं, आपके बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन मिले, अच्छी एक नौकरी मिल पाए, अच्छा वातावरण मिल पाए, इसके लिए आने वाले समय में अपने अच्छे लोगों को चुना के देना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार गुट के लोग, हम आने वाले समय में महानगर पालिका के अच्छा पानी हो, अच्छे गटर लाइन के जहाँ पे व्यवस्था नहीं है वो हो जाए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, मजूर लोगों को अच्छा काम उनके हाथ में मिले, अच्छा इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यहाँ पे कॉरपोरेशन का माध्यम से हो या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हो, यहाँ पे हम इनिशिएटिव लेके उनको लाने का एक हम ये प्रयास पूरी तरीके से करेंगे। और आने वाले समय में नागपुर जिला हो या विदर्भ हो, विदर्भ का कोई भी बच्चा एजुकेशन के लिए हो या नौकरी के लिए हो, कहीं बाहर जाने ना पाए, उसको सारी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे मिले, ऐसा प्रयास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से शरद चंद्र पवार के गुट करेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, आने वाले चुनाव को देखते हुए आप कौन से चुनाव की तैयारी कर रहे हो और क्या एजेंडा रहेगा? हम राजकीय पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आने वाले जो भी इलेक्शंस रहेगा, भले हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि इंडिया आघाड़ी का उम्मीदवार हो, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हो, या हमारे महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार रहेगा, उसको चुनाने का काम, उसके लिए जीतने का काम, जिताने का काम हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेंगी। और हम तो अभी तो नागपुर में लोकसभा चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं रहेगा, लेकिन उतने ही डबल ताकत से जो कोई उम्मीदवार रहेगा उसको जिताने का काम करेंगे। आने वाले समय में विधानसभा हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए मांगने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमारा सदस्य यहाँ पे नागपुर का प्रतिनिधित्व करवा के वहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली में भेजेंगे, और जहाँ पे यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे आवाज़ उठा के यहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेंगे। और यहाँ के नागपुर महानगर पालिका के जो विषय, 3200 करोड़ रुपये की बजट की जो महानगर पालिका है वो किस प्रकार से काम कर रही है आप सभी लोग जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेना, पानी के बिल लेना, पानी नहीं देना लेकिन बिल ले लेना,
टैक्स बहुत बढ़ा के दे देना, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दे देना, और पार्किंग नहीं है शहर में, किसी प्रकार के अच्छे गार्डन्स नहीं है, और तो ये सारी व्यवस्थाएं करने का काम आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ स्टूडियो में आए, और बहुत ही मतलब जो चुनाव को लेकर जो वातावरण गर्मा गया है और जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही है, पार्टियाँ काम कर रही है, इस सब को लेकर आपने जो है आज जानकारी जो है साझा की, साथ ही साथ हमारे साथ संवाद साधा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।